अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान और हमारी सेहत में आपके साथ निदा खान। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को रमज़ानों की। और जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीक जो हमारा टॉपिक हुआ था वो रमज़ान के रोज़ों पे हुआ था। जो कि लोग होते हैं बीमार होते हैं लेकिन वो रोज़ा अब रखते हैं, उनको किस किस उससे मरहला से गुजरना पड़ता है और उसकी सारी टॉपिक पर हमने बात की थी। सब अपनी हिफाजत की, किस तरह अपनी हिफाजत करें, और डॉक्टर साहब ने हमें सब बताया था। तो जैसा कि आज भी जो हमारा टॉपिक होगा वो रमज़ान के टॉपिक ही होगा, रमज़ान के हवाले से। और हम बात करेंगे कि रमज़ान के जो रोज़े हैं वो हमारी सेहत पे, हमारी हेल्थ पे क्या बेनिफिट होते हैं, उसके क्या क्या होते हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर फहीम साहब, आए हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले प्राइम कैनेडा टीवी देखने वाले कैनेडा और दुनिया भर में तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें हर तरफ रहमत की बारिश है, और ये वो महीना है जिसमें हम अपने दामन में रहमत को, बरकत को समेटते हैं। तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे इस बात की कि रमज़ान के हर लम्हे को यूटिलाइज़ करें और इबादात में गुजारें, और यही रमज़ान का पैगाम है। जी डॉक्टर साहब, लास्ट वीक जो हमारा प्रोग्राम हुआ था वो भी इस पे ही हुआ था, हेल्थ जो रमज़ान के रोज़ों पे। जी जी, प्री रमज़ान असेसमेंट पे हमने बात की थी और उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आया है मेरे पास। कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स और हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं कि प्री रमज़ान असेसमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी जी सही। तो आज भी हम लोग रमज़ान के रोज़ों पर बात करते हैं, और पहला मतलब सवाल आपसे मैं करती हूँ कि रमज़ान के रोज़े जो हैं उनके हेल्थ के क्या बेनिफिट्स हैं। इससे पहले कि मैं रमज़ान के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लास्ट टाइम भी मैंने बात की है और शायद आखिरी प्रोग्राम तक मैं यही बात करता रहूं कि रमज़ान के जहां स्पिरिचुअल बेनिफिट हैं, जो रूह की सफाई का ज़रिया है, नफ्स की सफाई का ज़रिया है, उसके साथ साथ क्योंकि हमारा दीन जो है वो एक आलमगीर मज़हब है, दीन फितरत है, तो ये हमारी अपनी सेहत की बड़ी इम्पोर्टेंस देता है। क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो सेहत है ये दरअसल हमारे रब की तरफ से एक इनाम है, ये एक अमानत है जिसकी हिफाजत हम पर लाजम है। अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो इसकी पूछ होगी कि हमने ये नेमत, ये इनाम तुम्हें दिया था, इसकी हिफाजत तुमने क्यों नहीं की। मराकश के शहर कासाब्लांका में चंद साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उसका अनवान ये था कि रमज़ान और सेहत। उसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े गए, मकाले पढ़े गए, और वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि दुनिया के 50 ममालिक से लोग, इस्लामिक स्टेट से लोग आए, और वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि ये जो रमज़ान के रोज़े हैं, ये जो फास्टिंग है, इसके इंसानी सेहत पे, इंसानी जिस्म के डिफरेंट ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है रमज़ान के रोज़ों का। और उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही कि जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स रमज़ान के महीनों में, आपने अक्सर सुना होगा रमज़ान शुरू हुआ कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है ना, हेडेक है, या दीगर चीज़ें शुरू होती हैं, ठीक है ना, गैस की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लोग अक्सर कहते हैं, ये सारी चीज़ें वो है जो मैन मेड है, यानी हमारे और आपकी अपनी उन चीज़ों की वजह से होती है जिसकी हिदायत नहीं की गई। सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रमज़ान के महीने में नींद पूरी नहीं करते, इबादत भी नहीं करते, बिला वजह भी चैटिंग कर रहे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, नींद पूरी नहीं करते, ठीक है, डिहाइड्रेशन, पानी का ख्याल नहीं रखते, खाने पीने में एहतियात नहीं करते, बहुत ज़्यादा शुगरी, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, तेल में डूबी हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुछ हेल्थ अपसेट होता है, और जिसकी वजह रमज़ान के रोज़े नहीं हैं बल्कि हमारी अपनी कोताही है, जिस पर हम जो एक स्केजुअल है डाइट का, एक्सरसाइज का, वो हम नहीं करते, जिसकी वजह से हेल्थ इशू में इजाफा हो रहा होता है। तो ये उस कासाब्लांका में मैंने जिस तरह कहा कि वहाँ पर ये बात वो लोग इस कंक्लूजन में पहुँचे कि इसके बेशुमार इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा, मैं इससे पहले कि आपने कहा कि रमज़ान के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मैं ये बताता चलूँ, वी बींग ए मुस्लिम, हम बहसे मुसलमान रोज़ा इसलिए नहीं रखते कि इसके सेहत के अफादियत हैं। सही। हम तो रोज़ा सिर्फ इसलिए रखते हैं कि मेरे रब का हुक्म है, बेशक ये बीइंग मुस्लिम हम पर लाजिम है, हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप सेहतमंद है, आप कोई बीमार नहीं हो, आज तो आप रोज़ा रखेंगे, ये आप पर फ़र्ज़ है। सही। हेल्थ बेनिफिट्स बिल्कुल सेकेंडरी है, प्राइमरी चीज़ ये है कि मेरे रब का हुक्म है, क्या हमें रोज़ा रखना है। सही। लेकिन इससे हटकर हम बात करते हैं कि बेशुमार साइंटिफिक पेपर्स, रिसर्च मौजूद है
के फास्टिंग जी, रमज़ान फास्टिंग नहीं, वो उसको कहते हैं थेरेपेटिक फास्टिंग। अच्छा। वो उसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, मेंटल इलनेस की वजह से। अच्छा। बहुत सारे मेंटल इलनेस की वजह से, बहुत सारे जॉइंट्स पेन्स के और जॉइंट्स डिजीज़ के हवाले से ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ मौजूद हैं, और बिलखसूस मेरा आइंदा प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम हम इंशाल्लाह करेंगे भी ऑटोफेगी पे। अच्छा। कि किस तरह कैंसर के मरीज़ के लिए, कैंसर के इलाज के लिए रोज़ा जो है वो किस कदर कारामद है और किस कदर बेनिफिशियल है। तो ये तो अपनी जगह मौजूद है, साइंटिफिक रिसर्च भी मौजूद है, लेकिन फिर वही बात कि बेंग ए मुस्लिम हम रोज़ा इसलिए रखते हैं कि ये मेरे रब का हुक्म है। अब हम मेडिकल बेनिफिट की बात करते हैं कि मेडिकल बेनिफिट इसके क्या हैं। ठीक है, हमने एक प्रोग्राम किया था लीवर पे जी, मेरे नासरीन को याद होगा, और हमने एक बात कही थी कि जो लीवर है ये दरअसल बॉडी का क्या है, इंजन है, मेन फैक्ट्री है जी। और ये हमारा जो लीवर है ये दिन के 24 घंटे काम करता है, सही, 24/7 काम करता है, इसकी कोई छुट्टी नहीं है जी। लेकिन रमज़ान के रोज़े में, अब जो इस दौरानिया है रमज़ान का, 12-13 घंटे का रोज़ा है, और लीवर की ख़ास बात यह है कि अगर उसको 1 ग्राम कोई चीज़, चुटकी भर भी कोई चीज़ हम लेते हैं तो लीवर उसी तरह एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन रमज़ान के रोज़ों में क्या होता है, पूरे 29-30 दिन हम 12-13 घंटे कुछ ना खाते हैं ना पीते हैं, तो लीवर को क्या मिल रहा है, रेस्ट मिल रहा है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो लीवर का, रेस्ट लेने की सूरत में, जो बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि मेन इंजन है, उस इंजन को रेस्ट मिल रहा होता है, ताकि फिर साल के जो अगले आने वाले दिन हैं 11 महीने, उसमें क्या होता है, लीवर बहुत ही प्रॉम्प्ट फंक्शन अदा कर रहा होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़, जो कोई भी बीमारी है, कोई भी चीज़ हो, उसकी वजह क्या होती है कि बॉडी में टॉक्सिन, ऐसी चीज़ आ जाए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वो क्या रिलीज़ करता है टॉक्सिन, जब बॉडी में टॉक्सिन आ जाए, ऐसी चीज़ आ जाए जिसको बॉडी की ज़रूरत नहीं है, टॉक्सिक मटेरियल है, तो उसको क्या होना ज़रूरी है, उसको एलिमिनेट, बॉडी से निकलना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला बेनिफिट तो ये मैंने बताया कि लीवर को रेस्ट मिल रहा होता है, जो लीवर क्या है, हमारे बॉडी का मेन इंजन है, तो उसको रेस्ट मिल रहा है, तो वो आइंदा आने वाले महीनों में वो बहुत बेहतरीन और प्रॉम्प्ट फंक्शन अदा कर रहा होता है। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जो टॉक्सिन मटेरियल से उसको क्या करता है, ये एलिमिनेट कर रहा होता है। दो बीमारियां ऐसी हैं, 3-4 बीमारियां जिसका जिक्र करूं मैं, डायबिटीज जी, बहुत बर्डन है दुनिया में डायबिटिक लोगों का, हमने अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट, ओबिसिटी, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे बीमारी का बहुत ज़्यादा लोड है। अगर आप रमज़ान के प्रॉपरली डॉक्टर की हिदायत पर, आप प्री रमज़ान असेसमेंट के बाद डायबिटिक पेशेंट और हाइपरटेंसिव पेशेंट अगर रमज़ान के रोज़े रखता है, तो बिलीव इन मी, उनका शुगर लेवल भी बेहतर होता है, उनका ब्लड प्रेशर को जो टारगेट डॉक्टर ने दिया हुआ है नंबर्स, वो रेगुलेट रहता है, और हार्ट के पेशेंट्स के लिए हार्ट के जो हार्ट हेल्थ है वो बहुत बेहतर होता है, और ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, लिपिड प्रोफाइल्स है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, इनकी जो अपना लेवल है, गुड कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो रहा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा होता है, और ओबिसिटी जो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, रमज़ान के रोज़े में डाइट प्लान को फॉलो करते हुए, ग्रीन्स का इस्तेमाल करते हुए, फिजिकल एक्टिविटी को करते हुए, तरावियों को पढ़ते हुए, सारी चीज़ों के साथ अगर आप एक स्केजुअल, एक डिसिप्लिन वे में लाइफ लीड करते हैं, तो आपका वजन क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, जो मोटापा जो है 100 बीमारियों का की वजह है, ये हो गया। अच्छा, आप इसके साथ क्या करते हैं रमज़ान में, ये जो फैट है, फैट के मेटाबॉलिज्म गेन करते हैं, फैट के बर्निंग, फैट को टूटने में या उसके ब्रेकडाउन में बड़ा फर्क पड़ता है, उसके अलावा पूरे साल हम ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो हिदायत पे अमल करते हैं, मतलब हम में से कुछ लोग ऐसे हैं निदा, यू नो, कि रमज़ान के महीने का इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान का महीना आना है तो फिर फ्रीलांस होना है, खाने में, पीने में, पकोड़ों में, हली तली फ्राई चीज़ों, लेकिन जो लोग डिसिप्लिन वे में चलते हैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक और एक टारगेट लेके चलते हैं, आई एम डायबिटिक, मुझे शुगर कम करना है, आई एम ओबीस, मेरा बीएमआई बढ़ा हुआ है, मुझे कम करना है, मैं स्मोकिंग करता हूँ,
ठीक है, रमज़ान का महीना बेहतरीन महीना है कि आप एडिक्शन से बच सकते हैं। सही कह रहे हैं। नॉट ओनली स्मोकिंग जी, बल्कि पान और गुटखा जी जी, ये बहुत कॉमन है ना। सही। कनाडा में कम है लेकिन दुनिया भर में तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बहुत कॉमन है। पान गुटखे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं और पान और गुटखे के इस्तेमाल से क्या होता है, ओरल कैंसर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस कदर ये खौफनाक पिक्चर पेश करता है। स्मोकिंग से आप परहेज करते हैं, जो हेल्थ स्मोकिंग के हेल्थ हैजर्ड्स हमें मालूम है, लंग कैंसर से लेकर ओरल कैंसर, ठीक है। तो ये रमज़ान के हेल्थ बेनिफिट जो बेसिक है। उसके बाद आप आजकल हम बात करते हैं कोरोना में इम्यून सिस्टम बहुत जगह बात होती है कि बॉडी के इम्यून सिस्टम कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाई जाए, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाई जाए। ये जो रमज़ान के रोज़े हैं बिलीव इन में, ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इन्हेंस करता है। अच्छा। जो बहुत इस ख़ास तौर पे इस दौर में जहाँ कोरोना वायरस की वबा मौजूद है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए रिसर्च मौजूद है, बहुत सारे पेपर्स हैं कि जो हमारी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं, रिमेटाइड आर्थराइटिस, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत बेहतर करता है, वेट लॉस करता है, और स्मोकिंग और पान गुटखा जैसी चीज़ों से भी हमें एक चीज़ है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अच्छा। जो एजिंग प्रोसेस है, हमेशा हर शख्स चाहता है अच्छा नज़र आए और अपनी उम्र से कम नज़र आए। बिलीव इन में रमज़ान के रोज़ों के फास्टिंग के ऐसे रिसर्च मौजूद है जो आपके एजिंग प्रोसेस है ना उसको स्लो डाउन करता है। अच्छा। आप रमज़ान के 30 महीने पहले अपनी एक फोटोग्राफ खींचें और रमज़ान के बाद, तो आप यू विल सी द चेंज। तो ये एजिंग और इसमें हार्मोनल फंक्शन क्या है वो पूरी साइंटिफिक रीजनिंग है, इन शॉर्ट कि ये एजिंग प्रोसेस जो है ना उसको बेहतर करता है। इसके अलावा न्यूरो डिजेनेटिव डिजीज लाइक पार्किंसनिज्म, अल्जाइमर डिजीज, इन डिजीज़ में रोज़े का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जो लोग नॉन मुस्लिम हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल साइंस है, वो जिन बीमारियों का मैंने जिक्र किया और उनमें ये फास्टिंग करवाते हैं। अच्छा, ये जो फास्टिंग का तरीक़ाकार है, फास्टिंग एज अ मेडिसिन। अच्छा। फास्टिंग एज अ मेडिसिन, जो बाबा है मेडिसिन जिसको हम हिपोक्रेट्स वो कहता है फास्टिंग एज अ मेडिसिन। फास्टिंग जो है बेसिकली एज अ मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है इन बीमारियों में जिसका जिक्र किया, और बेशुमार मेंटल हेल्थ में। तो रोज़े का अपना जो फिजिक, मैंने एक बात कही ना कि रमज़ान के रोज़े के जहाँ पर स्पिरिचुअल रूह की सफाई का मामला है, वहाँ पर ये जो मैंने फ़ायदे बताए ये तो बहुत नमक के बराबर है। इसके अलावा बेशुमार बॉडी में, फिजिकल हेल्थ में रमज़ान के रोज़े के फ़ायदे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, रमज़ान के जो रोज़े होते हैं, ये रोज़ों से इंसानी ये नफ्सियात जो होता है इस पर कोई असरात होते हैं? मेंटल हेल्थ जी, साइकोलॉजिकल हेल्थ जी। आजकल क्या है, किस चीज़ की वबा है, कोविड, स्ट्रेस जी। हम बात करते हैं पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस सिंड्रोम डिसऑर्डर, बेशुमार बात करते हैं स्ट्रेस पे, हमने प्रोग्राम भी किया। बिलीव इन में ऐसे साइंटिफिक रीजनिंग मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो फास्टिंग के दौरान जब हम रोज़ा रखते हैं, 12-14 घंटे का फास्टिंग होता है, ऐसी चीज़ें बॉडी में सिक्रीट होती हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती हैं। ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ मौजूद हैं जो रमज़ान के रोज़े के अलावा जो थेरेपेटिक फास्टिंग जिसको कहते हैं वो करवाते हैं, खास तौर पे ऐसे लोगों को जो मेंटल इलनेस का शिकार है। अच्छा। बेशुमार चीजें मैं बताऊं, मेन चीज है वो ये कि ये जो रमजान के रोजे हैं ये इंसान को जो पीस ऑफ माइंड एक होता है ना, इत्मीनान कल्ब, सुकून जी। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये जो स्ट्रेस है, रूह की तस्कीन, दिमाग को सुकून, इत्मीनान, कल्ब को इत्मीनान, ये सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक़ बिल्ला से पैदा होता है। जितना मजबूत हमारा अपने अल्लाह से, अपने रब से ताल्लुक़ जुड़ता है, हमारे अंदर का जो स्ट्रेस लेवल है वो ईज़ हो रहा था, यकीन भरोसा पैदा हो रहा होता है। तो ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मेजर रोल है रोज़े का। इसके अलावा जो जो कहते हैं ना कि हम में से हर शख्स ये चाहता है कि हमारे अंदर विल पावर, डिसीशन मेकिंग, मूड,
बेहतर हो। आप यकीन जाने ऐसी तमाम स्टडी, बेशुमार स्टडीज मौजूद है जो इंसान के मूड को बेहतर करता है, आपके अलर्टनेस को बेहतर करता है। आप किसी चीज़ पे कहते हैं ना कि काम पे मेरी तवज्जो नहीं हो, मैं फोकस नहीं हो पा रहा, मैं जो कहते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ना, बेशुमार स्टडीज मौजूद हैं जो लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, डिफोकस हो रहे थे, उनको रोज़ा रखवाया गया, फास्टिंग करवाया गया, तो उन्होंने देखा कि उनका अटेंशन बेहतर हो गया, मेमोरी, हर शख्स याददाश्त। आप यकीन जाने कि ऐसी बेशुमार स्टडीज मौजूद हैं कि फास्टिंग की वजह से लोगों की जो मेमोरी है, याददाश्त, डिसीजन लेने की सलाहियत, इसमें स्लीप क्वालिटी, नींद एक नेमत है। स्लीप सोसाइटी ये कहता है कि 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ानों में होता है इबादत की वजह से नींद पूरी नहीं होती, लेकिन जब भी मौका मिले आप स्लीप करें तो यकीनन इससे आपको बहुत ज़्यादा ईज फ़ायदा होगा। ये इंसान का जो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है, आपने महसूस किया होगा ना, रमज़ान में बिला वजह भी दिल चाहता है नेकी करो। सही कह रहे हैं, अल्लाह के नबी की हदीस है ना, अगर रमज़ान के महीने में कोई तुमसे तकरार करो तो उससे कह दो मैं रोज़े से हूँ। सही, आप नहीं उलझते, आप पीस ऑफ माइंड में रहना चाहते, नहीं यार ये चीज़ें अब मुझे अब इसमें नहीं उलझना। वो आदमी सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड पैदा होता है, जिसे कहते हैं ना अफेक्शन लोगों की तरफ जा रहा होता है, सेल्फ इस्टीम जो है आपका, सेल्फ इस्टीम ही के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। सेल्फ इस्टीम क्या होता है, बेहतरीन बढ़ रहा होता है। और एक और चीज़ है वो ये कि सोशली आप बहुत ज़्यादा टाई होते हैं, मिलते हैं, इफ्तार पार्टीज़ हो रही होती हैं, वो कि पिछले साल और इस साल थोड़े से कोविड की वजह से नहीं हुआ, लेकिन कोविड हमेशा नहीं रहना है, हमें और आपने रहना है, कोविड ने जाना है। ये जो इफ्तार पार्टीज़ हैं, लोगों से मिलना जुलना है, फैमिली के साथ बहुत कम ऐसा होता है कि हम बरसों हो जाते हैं हम साथ डिनर या लंच नहीं कर रहे होते, लेकिन लोग रमज़ान के महीने में ये कोशिश होती है, इवन इन कनाडा, कि इफ्तार के वक्त घर पहुँचो, ताकि घर वालों के साथ आप इफ्तार करते हो, तो एक सोशल टाइज फैमिलीज में, और एक लोगों के साथ ज़कात का मामला, लोगों को कुछ देने का जज्बा, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। ये सारी की सारी इन शॉर्ट इन अ नटशेल जो हमारी नफ्सियाती सेहत है, जो हमारी साइकोलॉजिकल सेहत है, जो हमारी मेंटल सेहत है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजनिंग क्या है, कौन सा हार्मोन में इजाफा हो रहा है, कौन सा हार्मोन में कम, ये इसको छोड़ दें, लेकिन ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं जो दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमारा जिस्म है ना, बेसिकली ये है क्या, कंप्यूटर है ना, ये कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं ना, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, रूह है, हार्डवेयर क्या है, जिसमें इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर सॉफ्टवेयर बहुत बेहतर है और हार्डवेयर खराब है, सही, और हार्डवेयर बहुत अच्छा है सॉफ्टवेयर खराब है, तो दोनों चीजें गई। तो ये रमजान बेहतरीन मौका है कि आप अपने सॉफ्टवेयर यानी अपनी रूह की सफाई और हार्डवेयर यानी कि अपने जिस्म की सफाई, दोनों को अपडेट कर लें, अपग्रेड कर लें। और इस अपग्रेड का फ़ायदा ये होगा, इस ट्रेनिंग का फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद, इस 30 दिनों के बाद, बाकी के महीने भी तो आने हैं ना, 355 दिन और गुजारने हैं ना, आई एम नॉट श्योर कि 355 दिन या 330 दिन, 35 दिन गुजारने हैं ना, तो वो फिर आप कैसे गुजारेंगे। अगर आपकी ट्रेनिंग मजबूत हो जाएगी इस दौरान, अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बेहतर कर लिया, अपग्रेड कर लिया, तो यकीनन आपकी आइंदा आने वाली जो 11 महीने हैं वो बहुत खूबसूरत और बहुत ही हसीन ज़िंदगी होगी आपकी, इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या रोज़ों के कुछ सोशल बेनिफिट्स भी हैं? अभी जब मैं साइकोलॉजिकल हेल्थ या नफ्स ज़हनी सेहत की बात कर रहा था ना, उस पर मैंने सोशल टाइज़ की बात की थी। यकीनन अगर आप WHO के हेल्थ डेफिनेशन को याद रखा हो आपने, कि ये सिर्फ फिज़िकल मेंटल हेल्थ का होना, बेहतर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सोशली इकोनॉमिकली स्पिरिचुअली 4-5 इंग्रेडिएंट हैं, अगर ये सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं तो आप हेल्दी पर्सन हैं। तो यकीनन ये जो हमारा दीन है, दीन इस्लाम, ये हुस्न माशरत की तो बात करता है, इस माशरे को खूबसूरत बनाने की तो बात करता है। माशरा किस किन लोगों से, मुझसे और आपसे, लोगों से, सोशली हम कितने इन्वॉल्व रहते हैं। जिस तरह हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, साल दिसंबर के 31st दिसंबर, इसी तरह रमज़ान में भी हमारा रेजोल्यूशन होना चाहिए, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, कि इस रमज़ान के 30 दिनों के बाद 365 दिनों में से 30 दिन को माइनस कर दें, जो बाकी के दिन हैं उसमें जो कुछ हमने इससे सीखा है, हमने इसार सीखा, मोहब्बत, कुर्बानी,
एक दूसरे से छोटों से शफकत, बड़ों का एहतराम, ये सारी चीज़ें सीखी है ना, सब्र, बर्दाश्त, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग हुई है ना हमारी, ये ट्रेनिंग किस चीज़ के काम आएगा उसने माशरत के लिए। सोशली आपने कम्युनिकेशन स्किल सीखा आपने इसमें कि लोगों से किस तरह सुनने की सलाहियत सीखी कि आप जो शायद कल तक आप लोगों की बात सुनते नहीं थे, रमज़ान के महीने में ट्रेनिंग हुई, आप लोगों की बात को बर्दाश्त, गुस्सा, एंगर को मैनेज करना सीखा, ये वो चीज़ें हैं। और इसके अलावा सबसे बढ़कर टाइम को मैनेज करना सीखा, फजर में सहरी करनी है, उठना है, जोहर की नमाज, असर की नमाज, तरावी, सहरी, इफ्तार, ये सारा कुछ क्या है मैनेज कर रहे हैं, ऑटो पे चल रहा है सारा कुछ, टाइम मैनेजमेंट सीखी आपने, आप में जो आर्ट ऑफ मैच्योर एडॉप्टेबिलिटी ये आप सीखते हैं, फैमिली के साथ क्लोज टाइटनेस बाइंडिंग, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, सोशल बेनिफिट बहुत ज़्यादा है इसका। और ख़ास तौर पे जब आप इस जज्बे के साथ निकलते हैं, इसार कुर्बानी और देने के जज्बे के लिए, आपका हाथ हमेशा यूँ रहता है ज़कात के हवाले से, खैरात के हवाले से, सदक़ात के हवाले से, तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट यकीनन मौजूद है और इन रमज़ान के रोज़ों से ही हासिल करते हैं। टिप ये है कि जो कुछ हमने सीखा है उसको आइंदा आने वाले दिनों में, जो ट्रेनिंग पीरियड है होता ही है ना, हम कैंप में ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग क्यों लेते हैं, ताकि आइंदा हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में रखें, उसको अप्लाई कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और आज का हमारा प्रोग्राम आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिदा खान को अल्लाह हाफिज़।